नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामा गुरु। दोस्तों, आर्या ऑटोमोबाइल एक गुजरात बेस्ड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स मेकिंग कंपनी है। एंड आपको बता दूं कि इन्होंने एक बाइक बनाई है जिसका नाम है आर्या कमांडर। अब देखिए, इस बाइक पर आपको यूट्यूब पर कुछ खास वीडियोज नहीं मिलेंगे, गिनी चुनी वीडियोज मिलेंगी एंड उनमें भी आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। मगर इस वीडियो में आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन इस बाइक के बारे में देने वाला हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कंपनी की तरफ से। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा इस बाइक के बारे में। अब देखिए, इस बाइक की बात मैंने की, इसका नाम है आर्या कमांडर एंड लुक वाइज ये बाइक आपको लगती है देखने में कैसी, रॉयल इनफील्ड की बुलेट या मीटियोर जैसी, और यही इस बाइक की खासियत भी है। इस बाइक की लुक्स से ही आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि रॉयल इनफील्ड की बुलेट या मीटियोर जैसी ये बाइक देखने में लगती है। आप इसके टैंक को देख लीजिए, आप इसकी सीट को देख लीजिए, स्प्लिट सीट्स आपको इसमें देखने को मिलती है बुलेट की तरह। आप इसकी हेडलाइट को देखिए, आप इसके साइड मिरर्स को देखिए, तो पूरी तरह से आपको ये बाइक रॉयल इनफील्ड की बुलेट या मीटियोर जैसी दिखाई देती है। अब ऊपर से तो पूरी तरह से आपको ये बाइक रॉयल इनफील्ड की तरह ही नज़र आती है, लेकिन आप इस बाइक के अगर नीचे के पोर्शन में आएंगे तो ये आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंट कर सकती है। मेरे को थोड़ा डिसअपॉइंट जरूर किया, क्योंकि नीचे आपको देखने को मिलता है इसका बैटरी पैक इंजन की जगह, जहाँ पर रॉयल इनफील्ड अपने बाइक में इंजन लगाती है, वहाँ बैटरी पैक आपको इसमें देखने को मिलेगा। एंड जाहिर सी बात है कि किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक में आपको इंजन की जगह बैटरी पैक देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, बात होती है उसकी फिनिशिंग की, उसके कवरअप की, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी फिनिशिंग की या डिजाइनिंग की मैं बात करूँ तो मुझे इतनी अच्छी डिजाइनिंग नहीं लगी। ऊपर से बाइक आपको मीटियोर या बुलेट की तरह लगती है, लेकिन नीचे से आप देखेंगे तो आपको बॉक्स, बड़ा सा बॉक्स एक नज़र आता है, जो कि इसकी लुक को काफ़ी ज़्यादा गिरा देता है। मतलब कहीं से तो आपको ये बाइक बहुत बढ़िया लगेगी देखने में, एंड कहीं से आपको ये जीरो नंबर आप इस बाइक को देंगे लुक वाइज। तो मुझे इतना ज़्यादा एट्रैक्टिव इसका लुक नहीं लगा। अब देखिए, यही जो लुक है रॉयल इनफील्ड वाला जो लुक है, इस बाइक की खासियत है, लेकिन कहीं ना कहीं यही जो लुक है इस बाइक को लेकर के भी डूब सकता है। तो ये बात मैंने करी इसके लुक्स की। अब लॉन्चिंग की बात कर लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, खबर थी कि ये बाइक लॉन्च हो सकती है लास्ट ईयर यानी कि दिसंबर 2022 में, मगर किसी रीजन के चलते बाइक उस समय लॉन्च नहीं पाई। फिर खबर आई कि इस साल यानी कि 2023 के अप्रैल में बाइक लॉन्च हो सकती है, लेकिन अप्रैल में भी लॉन्च नहीं हुई। एंड अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब ये बाइक लॉन्च होगी, लेकिन इतना कंफर्म है कि इस साल के एंड तक ये बाइक लॉन्च हो सकती है। तो ये लॉन्चिंग को लेकर के पूरा फिलहाल के लिए अपडेट है, लेकिन कंपनी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस बाइक को लॉन्च कर दिया जाए। अब बात करते हैं दोस्तों इस बाइक के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स के बारे में। ये बाइक आती है 3000 वाट की डीसी हब मोटर के साथ, जो कि रियर टायर में माउंट है। तो रियर टायर में माउंटेड मोटर के साथ ये बाइक आपको मिलने वाली है। 4.3 किलोवाट आर का बैटरी पैक इसमें आपको मिलेगा, जो कि 125 किलोमीटर की रेंज आपको प्रोवाइड करेगा। अब ये जो 125 किलोमीटर की रेंज है, ये रियल रेंज होने वाली है, आईडीसी रेंज होने वाली है, इसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। जब बाइक लॉन्च होगी तभी इसके बारे में पता चल पाएगा। टॉप स्पीड की बात करूँ तो 85 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड ये बाइक आपको देगी। इसकी मोटर जो टॉर्क प्रोड्यूस करती है वो 170 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो काफ़ी हद तक ये बाइक का जो मुझे स्पेसिफिकेशन नज़र आ रहा है वो रिवोल्ट की तरह ही नज़र आ रहा है। IP67 रेटिंग के साथ ये बाइक आती है। 17 इंचेस के एलॉय व्हील्स आपको इसमें मिलेंगे ड्यूल डिस्क के साथ। फ्रंट व्हील की बात करूँ तो 110x70 का 17 इंच का टायर आपको मिलेगा। रियर की बात करूँ तो 140x70 का 17 इंच का टायर आपको मिलेगा, यानी कि रियर टायर थोड़ा सा मोटा आपको देखने को मिलेगा। ड्यूअल सस्पेंशन शॉक अब्जर्वर के साथ ये आती है। फ्रंट में आपको फोक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। तीन ड्राइव मोड्स इसमें देखने को मिलेंगे, इको, स्पोर्ट्स एंड इनसेन। स्प्लिट सीट के साथ ये बाइक आती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। एयर कूल्ड सिस्टम इसमें आपको देखने को मिलेगा। साइड स्टैंड सेंसर इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। रियर एंड फ्रंट में आपको हजार्ड लाइट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल के साथ ये बाइक आती है। 7 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाएगी। रिमोटली लॉक एंड अनलॉक आप इस बाइक को कर पाएंगे। थेफ्ट अलर्ट इसमें आपको मिल जाएगा। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट अलर्ट भी इसमें आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है, यानी कि अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो आपके जो रिलेटिव होंगे, जिसका भी नंबर आपने डाला होगा, तो उनको ये खबर पहुंच जाएगी कि आपके साथ कोई हादसा हुआ है। फॉल एंड क्रैश सेंसर भी इसमें आपको मिल जाएगा। चेक व्हीकल हेल्थ भी इसमें आपको मिलेगा। USB चार्जिंग पोर्ट मिलेगा। रिबोस के सॉफ्टवेयर के साथ ये बाइक आएगी।
जीपीएस नेविगेशन इसमें मिलेगा, ब्लूटूथ एंड वाईफाई कनेक्टिविटी आपको इसमें मिलेगी, जियो फेंसिंग, लो बैटरी इंडिकेटर एंड रिवर्स असिस्ट भी आपको इसमें मिलेगा, जो कि एक जरूरी फीचर है। 5 कलर में ये बाइक आपको मिलने वाली है, ब्लैक, रेड, स्काई ब्लू, ग्रीन एंड व्हाइट। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइसिंग की। अब देखिए दोस्तों, इस बाइक का जो प्राइस पहले रखा गया था, जो खबर सामने आई थी, वो ये था कि 1,60,000 रुपये तक में आपको ये बाइक मिल सकती है। मगर दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर लॉन्च डिले होता है तो प्राइस भी बढ़ता चला जाता है। सिंपल वन के केस में आपने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी। तो अब जो इसका प्राइस है वो है इस समय 1,89,999 रुपये। कहाँ 1,60,000 में ये बाइक आपको मिल सकती थी, कहाँ 1,90,000 में ये बाइक आपको मिलेगी। एंड ये भी एक्स शोरूम प्राइस है दोस्तों, ये आपका ऑन रोड प्राइस नहीं, एक्स शोरूम प्राइस है। आपके स्टेट पर, स्टेट सब्सिडी पर डिपेंड करता है कि आपको ये बाइक कितने में मिलेगी। एंड 2,499 रुपये देकर आप इसको बुक भी करा सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जा करके। तो अभी तो लॉन्चिंग का पता नहीं, लेकिन प्राइस इसका जरूर बढ़ चुका है। बाकी जो ऑन रोड प्राइस की मैं बात करूं तो 2,00,000 से ऊपर ही इसका ऑन रोड प्राइस चला जाएगा, जिन स्टेट्स में सब्सिडी आपको नहीं मिलती है। तो 2,00,000 से ऊपर आपको ये बाइक पड़ने वाली है। तो अब आप लोग सोचिए एंड मुझे कमेंट करके बताना कि ये बाइक क्या आप लोग खरीदेंगे या नहीं इतने ज़्यादा प्राइस में। अब देखिए, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मुझे इस बाइक के बारे में क्या लगता है। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले ही कहा कि ये जो इसका लुक है, यही इसकी खासियत है एंड यही इसका ड्रॉबैक भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर से बाइक देखने में बड़ी ज़बरदस्त लगती है, लेकिन नीचे अगर आप इस बाइक को देखेंगे तो इसका लुक काफ़ी ख़राब नज़र आता है। दूसरा, आपको हब मोटर देखने को मिलती है। इतनी महंगी आप बाइक खरीदते हैं एंड उसमें आपको हब मोटर देखने को मिलती है, टायर में माउंटेड मोटर आपको देखने को मिलती है, तो ये मेरे को काफ़ी डिसअपॉइंट करता है। एंड अगर मिड ड्राइव मोटर आपको देखने को मिलती इस बाइक में तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती। साथ ही साथ 2,00,000 रुपये में केवल 125 किलोमीटर की रेंज आपको मिलेगी इस बाइक में, मेरे हिसाब से काफ़ी कम रेंज है एंड इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। एंड आपको दोस्तों 125 किलोमीटर की रेंज तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में मिल जाती है काफ़ी कम प्राइस में। तो 2,00,000 आप क्यों खर्च करेंगे, मुझे नहीं समझ में आता कि 125 किलोमीटर की मात्र रेंज होने वाली है। एंड वो भी अभी तक नहीं पता कि रियल रेंज होगी या IDC रेंज होगी। अगर IDC रेंज 125 हुई तो रियल रेंज तो आप मान के चलिए कि 100 से कम ही आपको मिलने वाली है, 90 किलोमीटर के आसपास ही मिलेगी। तो इस प्राइस, इस रेंज के लिए एंड जो मैंने लुक बताया उसके लिए एंड रियर माउंटेड जो रियर टायर माउंटेड जो हब मोटर है उसके लिए आप लोग 2,00,000 रुपए खर्च करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड क्या आप इस बाइक को खरीदेंगे, आप ज़रूर बताना। बाकी ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए ड्रामापुर को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।